वहीं राजधानी भोपाल में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जारी है। कांग्रेस का हल्ला बोल है नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ। नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले पर विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है रोशनपुरा चौराहे पर। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ। कांग्रेस का प्रदर्शन नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले पर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद, कार्यकर्ता मौजूद। सीधे आपको वहां पर लिए चलते हैं, मौके पर लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। सूरज तिवारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर। अब मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस उग्र होती हुई। कांग्रेस का एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है होने वाला है और कांग्रेस के जो नेता हैं तमाम जो नेता वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अरुण श्रीवास्तव पहुंच चुके हैं, कमलेश्वर पटेल पहुंच चुके हैं, तमाम वो दिग्गज नेता अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि ये जो नीट परीक्षा है उसपे जो फर्जीवाड़े का आरोप लगा है या फिर डीएवीवी जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक का मामला हो या नर्सिंग घोटाला, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ समय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचेंगे और पूर्व सीएम जो है जेपी और पूर्व सीएम जो है दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं बातचीत कर लेता हूँ अरुण श्रीवास्तव जी, हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग कर रहे हैं भाई, बीजेपी की आदत में है। मध्य प्रदेश में वर्षों तक व्यापम किया, अब देश में नीट वाला काम कर रहे हैं। इससे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो गया है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये पटवारी की नौकरी में धांधली करते हैं, एसआई की नौकरियों में धांधली करते हैं और जो बच्चे हैं जितने हमारे होनहार बच्चे वंचित रह जाते हैं उसके खिलाफ ये धरना है और आंदोलन कांग्रेस कर रही है। कमलेश्वर पटेल जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं, क्या? देखिए, जो ये घोटाला नीट का हुआ है ये हमारे देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, कितनी परेशानी से कोचिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं पर उनका तो नंबर लगेगा ही नहीं। ये तो पैसे वालों के लिए हो गई सारी परीक्षाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही हुआ है, चाहे वो देश की जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं और प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी, कई जगह उदाहरण है कि जो पेपर लीक्स हो जाता है। आज भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक मैटर आया है। तो ये जो हो रहा है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग भी हैं दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जब अयोग्य लोगों को हम ऐसी जिम्मेदारी देंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएंगे, दलगत लोगों को जब हम मौका देंगे तो इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। और पूर्व सीएम जो है दिग्विजय सिंह भी पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अब धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जीतू पटवारी को भी आना है यहाँ पर, मैं बातचीत भी करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह है उनसे बातचीत भी करूंगा। कार्यकर्ता जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं, बातचीत कर लेता हूँ। अभी देखिए दिग्विजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। विभा पटेल है हमारे साथ जो महिला अध्यक्ष है, प्रदेश महिला अध्यक्ष है। घटना हो रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? नर्सिंग घोटाला एक बड़ा घोटाला है या फिर डीएवीवी पेपर लीक मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार और आज तो पूरे देश में जिस तरह से नीट घोटाला सामने आया है, नर्सिंग घोटाला हमारे यहाँ सामने आया, पेपर लीक हुए, इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा का स्तर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा रहे हैं। जो लोग अपात्र हैं उनको उपकृत करने के लिए, पैसे वाले लोगों के बच्चों को उपकृत करने के लिए ये चीजें अपनाई जा रही हैं और इससे जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता पर बट्टा लग रहा है। योग्य लोग हैं और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। कौन सा धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? नीट पेपर फर्जीवाड़ा एक बड़ा मामला है, डीएबीवी के पेपर लीक मामला है, नर्सिंग घोटाला, इसको लेकर धरना लीक तो आम बात हो गई है। पेपर होते कम है, लीक ज्यादा होते हैं। ये पैसे ले लेके पूरा स्कैंडल चल रहा है। ये सीबीआई भी बची नहीं, अब तो ईडी की जांच होना चाहिए और सीधे जेल भेजना चाहिए।
होनी चाहिए, सीधे जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसा जो कांग्रेस के जो नेता है जो धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं वो कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। ठीक है सूरज, मैं रोकना चाहूंगा, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन रायपुर में अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल जरा बताइए, दिखाइए तस्वीरें, कांग्रेस का कौन कौन सा दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है जो धरना प्रदर्शन दे रहा है। आप बिल्कुल देखिए सुमित, बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के तरफ से जो है वो शुरू हो गया है और तस्वीरें दिखा देता हूं मैं कि किस तरीके से राजीव चौक पर जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें में पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल देख पा रहे होंगे, उनको उनके बगल में ही जो है ताम्रध्वज साहू बैठे हैं जो गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उसके साथ ही राजेंद्र साहू हैं, इसके अलावा जो है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं और कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं और ये जो प्रदर्शन है शुरू हो चुका है और मुख्य तौर पर नीट में जो जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है छात्रों के साथ, जिस तरीके का जो नेट में मामला हुआ है नेट एग्ज़ाम में, उसको लेकर के देखिए ये प्रदर्शन है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री खुद जो है इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा देखिए वहाँ पर विकास उपाध्याय आपको नज़र आ रहे होंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री भी बैठे हुए हैं। तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और एक मैसेज देने की कोशिश है जनता को कि किस तरीके से जो है जो घोटाला का आरोप लगा रहे हैं छात्र की बहुत बड़ा, इसमें जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, नीट की लेकर के गड़बड़ी हुई है, तो अब एग्ज़ाम को लेकर के कांग्रेस जो है छात्रों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और यही वजह है। ऊपर से दिखाइए किशोर कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस के तमाम जो सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं और ये एक बड़ी संख्या में लगभग यहाँ जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं कांग्रेस के। और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वो कुछ ही देर में जो है संबोधित भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी हैं, बात कर लेते हैं। नीट में नेट में गड़बड़ी हुई, छात्रों ने आरोप लगाया और आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत देश में ऐसा हो रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है और ये नई बात नहीं है। पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब भी हमें ये देखने को मिला, यहाँ तक कि एक मंत्री तो अपनी पत्नी के बदले अपनी साली को भी परीक्षा में बिठा दिया था। इस तरह से गड़बड़ी और इस तरह से धांधली भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते आ रहे हैं, इनका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करे। मैडम देख रहे हैं कि चुनाव संपन्न होते ही जो है कांग्रेस सड़क पर आ गई है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों भी बलौदा बाजार को लेकर प्रदर्शन हुआ, कल महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तो क्या रणनीति है? देखिए सही मायने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी है चारों ओर भ्रष्टाचार अराजकता का माहौल हमें देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। अब किसानी का दिन शुरू हो गया है लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में जाके पूछ लीजिए, खाद बीज और यूरिया खाद का और बीज का अभाव हमें देखने को मिल रहा है। कितना अधिक दुर्घटना हो रहा है, शहरों की अव्यवस्था चरमराई हुई है, किसी भी मामले में इन लोग का सही निर्देश कुशल कार्य क्षमता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। केवल 6 महीने हुआ है सरकार बने और 16,000 करोड़ की कर्जा लेके बैठी है सरकार, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेपर लीक मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी उग्र हो गई है अब इस मसले को लेकर और कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है पूरे देश में इस मामले पर।